नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता वंशी। ब्रिटेन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं, क्या कुछ कहता है कोरोना, क्या आंकड़ा, क्या कुछ है कोरोना की स्थिति, आइए देखें। तो वहीं कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना देश में फिर से बढ़ने लगा है। तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि 24 घंटे में 43,401 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन की अगर बात की जाए तो एक दिन में 339 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 40,611 मरीज रिकवर हो गए हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना लगातार पैर पसारते नजर आ रहा है। देश में कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी वो न कहीं साफ होती जा रही है। 43,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटे में। एक दिन की अगर बात की जाए तो 339 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक दिन में 40,611 मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं, कोरोना की क्या स्थिति है देश में वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। 43,401 नए मामलों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटे में, और एक दिन की अगर बात की जाए तो 339 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं एक दिन में 40,611 मरीज रिकवर भी हुए हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या चिंताजनक है, क्योंकि 3 लाख के पार पहुंच गया है एक्टिव केसेस का आंकड़ा। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और 24 घंटे की अगर हम बात करें, आंकड़ों पर नजर डालें तो 43,401 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 339 मरीजों ने दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते। तो वहीं एक दिन में 40,611 मरीज रिकवर भी हुए हैं, ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी देश में मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई थी, और ऐसे में दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है पूरे तरीके से, और आंकड़े उसी तरीके से बरकरार हैं। हालांकि गिरावट देखने को आई थी बीते 3 हफ्ते पहले, लेकिन फिर से आंकड़ों में वृद्धि हो रही है और एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना की क्या स्थिति है देश भर में, क्या आंकड़े कहते हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं, ये चिंता का विषय है। 24 घंटे में 43,401 नए मामलों की पुष्टि हुई है, तो एक दिन में 339 मरीजों ने दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते, और 40,611 मरीज रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना को लेकर क्या हाल है देश में, क्या कहते हैं आंकड़े। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 43,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 339 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 40,611 मरीज रिकवर होकर घर पहुंच गए हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है।